पूर्वक आप सभी कथा में परीक्षित बनकर और आप सभी इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भागवत भाग्य से मिलती है। भागवत किससे मिलती है? भाग्य से। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वई। भागवत जी भाग्य से मिलती हैं, बिना भाग्य के भागवत नहीं मिलती। इसलिए भागवत यदि आप सुन रहे हैं तो ये आपके भाग्य की जाग गया है भाग्य, इसलिए भागवत मिल रही है। आज के युग में सत्संग मिल जाना मतलब भगवान मिल जाने के बराबर है। प्रिय भक्तों, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही भगवान चले गए और भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी आई। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरए स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना भगवान को मारने आई तो भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। भगवान कृष्ण पालने पर लेटे थे, मैया यशोदा आंखों में काजल लगाकर कन्हैया का सिंगार करके दूध पिला के लिटाई, कन्हैया सो गए। फिर सोने के बाद जब उनकी नींद खुली, पर्याप्त सोने के बाद जब नींद खुली तो भगवान ने क्या देखा कि पूतना आ गई। ये बकासुर की बहन है। आप पूतना को जानते हैं मैया? आप पूतना को जानती हो मेरी माँ? क्यों, आपके पड़ोस में ही रहती है क्या? हाँ, कभी मिली हो आप पूतना से? फिर आप तो कह रही हो हम जानती हैं। सहेली है क्या? नहीं, पूतना। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई थी। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, बेटा इस तरफ बैठो, भक्तों को अवरोध हो रहा है। पूतना मौसी भगवान को मारने के लिए आई थी। अपने स्तनों में क्या भर के लाई? क्या भर के लाई? जहर। स्तनों में जहर लगा लिया, कन्हैया को मारने आई। क्यों मारना चाहती थी पूतना कृष्ण को? क्योंकि वो कंस का भला चाहती थी, क्योंकि कंस को यह संदेह था कि देवकी का आठवां बेटा यही है, तो वो मारना चाहता था। अब कंस का सपोर्ट पूतना करती थी, और पूतना जब मारने आई तो बड़ी सुंदरी बन करके आई। अपना रूप रंग इतना मस्त कि जो देखा देखता गया, किसी ने रोका नहीं। बड़ी सुंदर थी, लोगों को लगा कि भाई बड़े घर की होगी, क्या रोकना। तो चली गई वो सीधा